एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा रईसी में पला बड़ा, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिसने बचपन से ही एक वीआईपी लाइफस्टाइल जिया। वही बेटा कैसे अपराध की दुनिया में कदम रख गया, ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की, जिसकी जिंदगी प्यार, राजनीति और बदले की ऐसी धारा में बह गई कि उसने समाज की काली दुनिया में कदम रख दिया। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फाजिल्का में हुआ। बचपन से ही लॉरेंस पढ़ाई में अच्छा था और उसकी लाइफस्टाइल भी बिल्कुल रईसी थी। लॉरेंस बिश्नोई कॉन्वेंट स्कूल जाते थे, क्लास 8th में ही बाइक चलाते थे और महंगे महंगे जूते भी पहनते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में इश्क और जुनून जब हद से गुजर जाए तो जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। बिश्नोई अपने गाँव में सबसे अमीर परिवार से है। 110 एकड़ जमीन के साथ बीच में एक बड़ा सा बंगला है। बिश्नोई के पिताजी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने जॉब छोड़कर खेतीबाड़ी शुरू कर दी। कहा जाता है कि बिश्नोई की फैमिली 35 से 40 लाख पर ईयर बिश्नोई पर जेल में खर्च करती है। बिश्नोई के इतने अच्छे लाइफस्टाइल के बाद भी वो एक अपराधी कैसे बन गया, इसके पीछे दो कारण है, एक प्यार और दूसरा राजनीति। बात तब की है जब लॉरेंस स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में ही उसे एक लड़की पर क्रश था और वो क्रश प्यार में बदल जाता है जब वो दोनों डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन लेते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। लॉरेंस ने स्थापना की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी की, जिसे शॉर्ट में SOPU कहा गया, और इसका उद्देश्य यह था कि वो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते। लेकिन वो उस इलेक्शन में हार गया, जिसके बाद उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद उसने हाथों में पिस्टल उठा लिया कॉलेज में दबदबा बनाने के लिए। अगले साल फिर से इलेक्शन हुए। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि इस बार विरोधी गुट ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को निशाना बना लिया। कहा जाता है कि विरोधियों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को आग के हवाले कर दिया और उसकी प्रेमिका को जिंदा जला दिया। हालांकि इसे बाद में हादसे का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन इसी घटना ने लॉरेंस की दुनिया पलट कर रख दी। प्रेमिका की मौत के बाद लॉरेंस अपराध की दुनिया में चला गया। धीरे धीरे उसकी पहचान एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में होने लगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी सिर्फ कॉलेज तक थी तो आप गलत हैं। इस कहानी में एक और बड़ा नाम है, सलमान खान। 1998 में हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरन को मारने का आरोप लगा था। तब लॉरेंस बिश्नोई महज 5 साल का था, लेकिन उसका समुदाय बिश्नोई काले हिरन को पूजता है और यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई का गुस्सा सलमान खान पर अब तक शांत नहीं हुआ। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, जो सलमान खान के बहुत करीबी माने जाते थे। मुंबई पुलिस के अनुसार इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस की गैंग से जुड़े कई लोगों ने कहा था, जो सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो अपना अपना हिसाब लगा के रखना। हाल ही में सलमान खान को फिर से धमकियां मिली हैं, इसके बाद वह सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक ताजा धमकी संदेश मिला है, जिसमें सलमान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इस धमकी के बाद सलमान खान ने दुबई से करीब 2 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ निशान पेट्रोल SUV मंगाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की पूछताछ में जेल में बंद बिश्नोई ने अपने गैंग की हिट लिस्ट का खुलासा किया। उसके टारगेट पर कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विजेता मुनावर फारूकी भी हैं। आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई के हिटलिस्ट में नेक्स्ट कौन होगा?